वेलकम टू नई सुबह कहानी घर, कहानी घर नई सुबह टेल्स प्रोड्यूस बाय अनम तारिक, वॉइस ओवर बाय रहीमा। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रहीमा और आज हमारी कहानी का नाम है मेंढक और चूहे की लड़ाई। एक तालाब में एक चूहा और मेंढक रहता था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चूहे को शिकायत थी कि मेंढक की हर वक्त टर्टर से मेरे सर में दर्द हो जाता है, ना वक्त देखता है ना मौसम, इसकी हर वक्त की टर्टर है। वहीं मेंढक कहता था कि ये चूहा तो चैन से ही नहीं बैठता, इसका हर वक्त का काम तो घूमना है, जब देखो सर पर घूमता रहता है। एक दिन हुआ यूं कि दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। चूहे ने मेंढक से कहा, ए मेंढक, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तालाब मेरा है और मुझसे पहले ये तालाब मेरे बाप दादा का था। मेंढक ने कहा, नहीं नहीं, ये जगह मेरे बाप दादा की थी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात पर दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। पहले तो एक दूसरे को आंखें दिखाते, मगर अब एक दूसरे से बदला लेने के लिए लड़ना शुरू हो गए। ये सब एक चील भी बड़े गौर से देख रही थी और वो बहुत दिनों से इनका शिकार करने की कोशिश कर रही थी, मगर ये दोनों हाथ ही नहीं आ रहे थे। चील ने मुनासिब मौका देखा और तेजी से आई और इन दोनों को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे झगड़ा करने से हमारा ही नुकसान होता है। हम सबको आपस में प्यार से रहना चाहिए।